डिलीवरी के बाद फर्स्ट 45 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा इनबॉक्स इंस्टाग्राम का हर वक्त भरा रहता है ऐसे मैसेज से कि डिलीवरी के बाद ऐसा क्या खाएं कि वजन ना बढ़े और कम हो, क्योंकि ये 45 डेज इस तरह से इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें अमूमन वजन कम हुआ करता है और हमारी डाइटरी हैबिट्स उल्टा काम कर देती हैं, हम वजन ज्यादा करके बैठ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा जनाब पूरा टाइम टेबल कि आपने किस वक्त किस तरह से खाना है और क्या खाना है कि आपका वजन कम हो। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मेरा इनबॉक्स हर वक्त ऐसे मैसेजेस से भरा रहता है कि भाई डिलीवरी के बाद बताएं हम क्या खाएं, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है ना। जिन लोगों की शादियां होती हैं, शादियों के बाद वजन बढ़ता है, अक्सर खवातीन स्लिम होती है और बाद में एक दफा मोटापा हो जाए तो बाद वो जान ही नहीं छोड़ता। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी कि ये चीजें मैंने भी की और इंशाल्लाह आपको भी ये सब चीजें फायदा देंगी। तो जनाब पहली चीज से शुरू करते हैं जो कॉमन है और जो सारों के पास एक ना एक दफा कोई ना कोई कहता है कि पंजीरी खा रहे हैं, पंजीरी आती है, कुछ आने जाने वाले लोग ले आते हैं, कुछ घर वाले बना लेते हैं। तो काफी सवाल रहते हैं इसका पोर्शन साइज कितना होता है, कितनी खाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मुफीद नहीं होती, इसके अंदर होते हैं, पहले समझे इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर होता है ड्राई फ्रूट्स और इसके अंदर घी वगैरह होता है, ठीक है। और ये दोनों चीजें हैं फैट, अगर इनकी तासीर देखी जाए तो ये जिस्म में जाके चर्बी बनाने का बायस बनते हैं। तो देखें डिलीवरी के बाद आपको तीनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फैट का प्रोटीन तीनों चाहिए। पर पंजीरी की अगर बात करें तो अगर इसका फैट आप देखें तो इसको दिन में 1-2 टेबलस्पून से ऊपर आपने नहीं लेना। और लेना भी किस तरह, इसका सबसे अच्छा लेने का वक्त है वो है नाश्ता। दिन में किसी और टाइम इस्तेमाल ना करें, नाश्ते के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वजन नहीं बढ़ेगा इसको खाने के बावजूद भी। सेकेंड पॉइंट है जनाब टाइम टेबल का, और बड़ा जरूरी पॉइंट है, इसलिए कॉपी पेन से ले लें और ये चीज़ लिख लें। अगर आप फीड करवाते हैं तो आपने क्या टाइम टेबल रखना है अंदाज़, और अगर आप फीड नहीं करवाते तो अंदाजन क्या टाइम टेबल रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह रात 8 बजे उठ रहे हैं, मुझे पता है आप रात इन द मिडल ऑफ नाइट भी उठ रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चा है, रूटीन सेट नहीं होती, आप इन द मिडल ऑफ नाइट भी उठ रहे हैं, पर कोशिश करें उस टाइम पे अगर भूख लगे थोड़ा सा कोई फूड का चंक ले लिया, कोई खाने की तरफ मत जाएं, वरना और कुछ नहीं तो आपका मैदा खराब कर देगा कुछ अरसे बाद। तो अगर आप फीड करवा रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे उठें, प्रॉपर मील आपने 8 बजे लेना है, अगला 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात 8 बजे और आखिरी रात 11 बजे लेना है। और अगर आप फीड नहीं करवा रहे तो आपको थोड़े से कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टाइम टेबल ऐसे होना चाहिए कि सुबह 8 बजे लें, फिर सुबह 11 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, शाम 6 और रात 9 बजे आपका आखिरी मील होना चाहिए। अगर आप अपने मील्स इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा। और इन टाइम्स पे लेना क्या, ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा जनाब सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स पे, कि अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि जनाब कार्ब्स कैसे लें, ठीक है। अगर आपने कार्ब्स लेने हैं तो कार्ब्स आपने लेने हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैक्सिमम। अच्छा अगर तो आप अभी फीड नहीं करवा रहे तो आपने तो लेने हैं तकरीबन आखिरी कार्ब लेना है आपने 4 बजे तक, ठीक है। उसके अलावा बाद आपने फ्रूट वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल कम से कम करनी है, सिर्फ आपकी मील का 10% कार्ब हो, 10-20%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप फीड करवा रहे हैं तो ऐसे खवातीन का जो है शुगर लेवल बड़ी तेज़ी से ड्रॉप करता होता है, स्पेशली जब आप फीड करवाने बैठें और बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ कार्ब ना हो तो आपका एक दफ़ा एकदम से शुगर लेवल गिरता है और एकदम से तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आपने भी कोशिश करना है शाम 6 के बाद कार्ब ना लें, आपकी डाइट का शाम 6 के बाद सिर्फ 30% कार्ब होना चाहिए। और अगर फीड करवाते हुए आपको एकदम से आपका शुगर लेवल ड्रॉप करा है तो आपने कोई और चीज़ खाने की बजाय आपने सिर्फ एक खजूर ले लेनी है, ठीक है। अच्छी तरह चबा के एक खजूर खाएंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे और आपका इंशाल्लाह वो जो बीच में एकदम शुगर लेवल ड्रॉप करता है तो वो नहीं होगा। कार्ब्स ज़्यादा मत इस्तेमाल करें। जो लोग आपको कहते हैं कि आप चूंकि फीड करवा रहे हैं या आपकी एकदम से डिलीवरी हुई है आपको 2-2 रोटियां खाने की ज़रूरत है तो वो गलत कह रहे हैं जनाब। दिन में आपने फ्रूट ऊपर ही एडजस्ट करना है, शाम मगरिब से पहले ही फ्रूट एडजस्ट करना है, रोटियां भी सारी ऊपर ही एडजस्ट करनी है, शाम को बिल्कुल 20% से ज़्यादा आपने कार्ब्स नहीं लेने। फिर अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्स का, और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सप्लीमेंट्स लेने में थोड़ी सी हेराफेरी मैंने भी की थी, हेराफेरी इस तरह से, और मुझे और मैं फिर भी कहती हूँ मैंने बहुत बेहतर तरीके से ली थी क्योंकि मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई थी बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से, और मैंने तो वज़न गिरा के अगले 5 महीने में ख़त्म भी कर लिया था जितना भी चढ़ा था, ठीक है। सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्यों? एक टाइम में जब डिलीवरी का टाइम होता है उस वक्त आपकी एकदम से बॉडी से काफ़ी ताकत निकलती है, तो कुछ अर्से के लिए सप्लीमेंटल सपोर्ट चाहिए होती है बॉडी को। उसके अलावा जो फीड करवा रहे हैं आपके लिए तो बेइंतहा ज़रूरी है सप्लीमेंट्स, क्योंकि डेली बेसिस पर आपकी बॉडी से एक बड़ी अच्छी अमाउंट ऑफ तेज़ ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है।
तो अगर आप फीड करवा रहे हैं तो डबल खाने के बजाय सप्लीमेंट्स अगर ले लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं, उनके टाइमिंग्स कैसे होते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपने देखें, कोशिश करें, आयरन थोड़ा सा मुश्किल सप्लीमेंट होता है, यह आपने लेना है नाश्ते में। और आयरन में और कैल्शियम में कम अज़ कम 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए। तो कैल्शियम लें आप शाम में, कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट होता है वो लें शाम में। फिर आती है बात डिटॉक्स की, या कह लें हाइड्रेशन की। पानी का जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी चीज़ की रिकवरी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। मैं हमेशा डिटॉक्स वाली वीडियोस में मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट जरूर डिस्कस करती हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो तो प्लीज़ डिटॉक्स का इस्तेमाल करें, पानी सादे का इस्तेमाल करें। और वजन कम करने के लिए भी डिटॉक्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपकी जो मेरी जो डिटॉक्स वाली वीडियो है उसमें अगर आप पोस्टमार्टम वाले टाइम पीरियड में लेना चाह रहे हैं डिटॉक्स, तो उसमें डिटॉक्स नंबर 3 और 2 वाला जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वाला कोशिश करें मत लें, 3 और 2 वाला बहुत अच्छा है। और हाइड्रेशन वाली बात स्पेशली जो फीड करवा रहे हैं मदर्स, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वही वाला पुराना पॉइंट, अगर आपको फीड करवाते हुए चक्कर वगैरह आते हैं तो बहुत दफा उसका रीजन ब्लड शुगर लेवल लो होना भी नहीं होता, उसका रीजन होता है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो गई, यूरिन के इन्फेक्शंस बड़ी फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं क्योंकि आपके जिस्म में पानी की कमी होती है। तो सादा पानी ले कम से कम 5-6 गिलास और डिटॉक्स लाजमी 4 गिलास नीम गर्म इन अ डे। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि हम किस तरह से करें फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ऐसे करनी है कि अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो यकीन जाने 15 दिन बाद हम प्रॉपर चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही पहले दिन जाके रनिंग करना शुरू कर दें, कुछ स्टार्ट करें ठीक है जिसम को, वरना बिल्कुल ही बेड पर लेटने की आदत हो जाती है। और फिर ऐसे खवातीन हम लोग फिर उठ भी नहीं पाते 4-4 महीने तक कि अभी जिसम में फिर दर्द है, क्योंकि आपके पट्टे कमज़ोर से कमज़ोरतर होते जाएंगे अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो आपने करना ये है कि अगर तो आपको नॉर्मल डिलीवरी है तो आप बहुत आराम से 15 दिन बाद स्टार्ट कर लें वॉक करना, थोड़ी थोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता तबीयत के हिसाब से स्पीड पकड़ते रहें। ज़्यादातर खवातीन परेशान होती हैं सी सेक्शन वाली, तो सी सेक्शन वाली खवातीन ऐसे करें कि 45 डेज बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट से पता करके कि आपका जख्म जो है हील कितना हुआ है। वूंड हीलिंग पे डिपेंड करता है, जैसा वूंड उस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और प्रॉपर डंबल्स वगैरह उठाना वो चीज़ मना की जाती है, पर वॉक से बिल्कुल आपको कोई मना नहीं करेगा। तो आप आराम से वॉक कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द हीलिंग ऑफ योर स्कार उसके हिसाब से आप कुछ अर्से बाद एक्सरसाइज भी आराम से कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको कह रहा है कि बेड पे बैठो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो गलत कह रहे हैं। आपका और कुछ नहीं होगा, सिर्फ वजन ज्यादा होगा। अगला पॉइंट है प्रोटीन का। हमने कार्ब्स डिस्कस कर लिए कब लेने हैं किस तरह लेने हैं, अब प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन वूंड हीलिंग के लिए, जख्म भरने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सी सेक्शन है। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कार्ब आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में लेने हैं, तो प्रोटीन लेनी है आपने सेकंड हाफ ऑफ द डे में। प्रोटीन बहुत अच्छी एनर्जी देती है। और कोशिश करें आपके रूटीन में एक दफ़ा बीन्स वगैरह वाला पोर्शन हो आपको सैलड में डाल लें, बेशक सालाना बनाएं सैलड के अंदर डाल लें। फिश चिकन मटन ये वाला प्रोटीन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, पर लेना कैसे है, बीन्स आप रोज़ाना सैलड में डाल के ले सकते हैं, चिकन का लाजमी एक अच्छा पोर्शन आपका जो एक हाथ के साइज बनता है ना इतना चिकन आपके पूरी रूटीन में पूरे दिन में होना चाहिए, एक अंडा लाजमी होना चाहिए। पर मटन और फिश की अगर बात करें तो फिश आप थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। अब मटन में ये ज़रूर याद रखिएगा चर्बी होती है, तो मटन के बार बार सालन बना के और इस तरह से बोटियाँ नहीं खानी। मटन आप कम अज़ कम ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं, रोज़ाना नहीं लेना अनलेस आपको डॉक्टर कहता है कि आपको आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। अगर तो आपको विनोफर की ड्रिप शिप लग रही है तो इसका मतलब है कि यस प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आप मटन वगैरह भी इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है ना, तो आपको मटन वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहिए। तकरीबन 4 दफ़ा ले लें हफ्ते में बेशक, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हफ्ते में 2 दफ़ा से ऊपर नहीं लेना। और कोशिश करें सालन बना लें, यखनी बना लें, सूप बना लें, पर इस फॉर्म में आप मटन ले सकते हैं। उबाल के ले लें, फ्राई मत करें, फ्राई साइड पर ना जाएं, जैसे कबाब बना लेते हैं लोग, कबाब तल तल के लेना वो चीज़ भी ख़राब हो जाती है क्योंकि फैट का भी ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट चलते हैं फैट पे। मुझे लगता है हमारी रूटीन में मसला ही सारा फैट का होता है। फैट का मसला ऐसे होता है कि डिलीवरी के बाद कहा जाता है जनाब दूध पे दूध पिए और देसी घी डाल के पिए दूध के अंदर और देसी घी की चीज़ें खाएं, देसी घी में पराठे बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। देखिए अगर आपने फैट लेना तो अच्छे सोर्स से लें। जो पहला वाला सोर्स मैंने बताया था ना, हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था पंजीरी वाला या ड्राई फ्रूट्स वाला, वो अच्छा सोर्स है फैट का। ये तेलों के फॉर्म में लेना बिल्कुल गलत चीज़ है, उस तरह से मत लें। बटर लगा लगा के खाना, देसी घी में खाने पर माना बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आपने फैट लेना है तो कोशिश करें दिन में 1 टेबलस्पून से ऊपर फैट आपकी बॉडी में मत जाए, और बाकी जो जाए वो आपका जाए या तो फिश की फॉर्म में नेचुरल फैट है अच्छा फैट है, या आपका जाए ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में। इससे ऊपर फैट की बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। लास्ट पॉइंट है जनाब मिल्क पे, और ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है बिकॉज अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दूध से दूध बनता है, मतलब अगर जितना अच्छा दूध पियेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फीड बनेगा।
दूध का फीड बनने से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने दूध लेना है, अगर आप फीड करवा रहे हैं तो दिन में 2 ग्लास दूध, अगर आप फीड नहीं करवा रहे हैं दिन में 1 ग्लास दूध, इससे ऊपर दूध लेना बिल्कुल बेकार है। उल्टा ये सारा जाके चर्बी बनता है बॉडी के अंदर। चर्बी इस तरह से बनता है क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी तो कोई ना कर रहे, आप बेड पे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो बॉडी को उस तरह से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती। चलते फिरते इंसान की और चीजें होती हैं, एक बेड पर लेटे नॉर्मल चलने फिरने वाले इंसान की रूटीन और कैलोरीज और होती हैं। तो अगर आपने दूध लेना है तो 1 ग्लास ऊपर लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, वरना वो सारा बन जाएगा चर्बी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप और उन लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग इस टाइम पीरियड से गुजरे हैं, ताकि वो अपने वजन से छुटकारा हासिल कर लें। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बनाऊं, ये मुझे पता चलेगा कमेंट सेक्शन से। तो मुझे अपनी सजेशंस का, राय का जरूर इजहार कीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्सडे रात 8 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।